दूर है मेरी ये शिमले दिरा जंबा कितनी दूर लाया मोहब्बत दूर दराजे अखियां तो हो या कसूर है शिमले नी बसना कसौली नी बसना जम आयुष्मान को चाहिए ये डॉगी सो क्यूट ना क्या नाम है डॉगी का काशी, काशी। कहाँ से लिया इसको गिफ्ट दिया था मैंने चंडीगढ़ से ओके ओके कौन सा बेटा ग्रे वाला ये हाँ। क्या प्राइस है उसके 150 रुपये ये लिया बाबू ने अब तो मेरा मत लेना कभी हेलो गाइस मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट प्रिया एंड जैसा कि बहुत सारे व्यूवर्स की ये क्वेरीज़ होती है कई बार वो हमसे पूछते हैं कि आप लोग कहां से हो तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग शिमला में ही रहते हैं और तभी हम लोग आपको बार बार यहां के क्लाइमेट और यहां के वेदर की अपडेट भी देते रहते हैं इनफैक्ट शिमला की बेस्ट प्लेसेस की टूर भी हम करवाते रहते हैं सो गाइस मैं आपको बता दूं कि आज की टॉपिक है जैसा कि इवनिंग में मैं निकली थी कुछ वेजिटेबल्स और ग्रॉसरी आइटम लेने तो यहाँ पे एक खासियत है जैसे हमारा लोकल मार्केट है संजौली का यहाँ पे शाम के 2 घंटे बिल्कुल ही गाड़ियाँ वगैरह बंद कर दी जाती है पूरी रोड बहुत शांत हो जाती है सब लोग वॉक करते हुए शॉपिंग करते हैं तो वो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती थी एंड हमारा संजौली मार्केट भी किसी मॉल रोड से कम नहीं है शिमला का ये छोटा सा मॉल रोड ही आप मान लीजिए तो वो हम देखेंगे कि क्या क्या है यहाँ पर और इवनिंग में कैसे हम लोग इन्जॉय करते हैं तो दोस्तों नए नए वीडियो के अपडेट के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और विथ नोटिफिकेशन ताकि आपको न्यू अपडेट भी फटाफट मिल जाए तो चलिए देखते हैं क्या क्या है आज हमारे संजौली मार्केट में अभी हम लोग निकल चुके हैं शिमला संजौली मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए और जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे नो एंट्री लग चुकी है क्योंकि संजौली में शाम को 2 आवर्स 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स किसी भी गाड़ियों की नो एंट्री हो जाती है सिर्फ जाती है एम्बुलेंस के लिए ये ओपन रहता है बट यहाँ पर शाम को घूमना और शॉपिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है बिल्कुल अमेजिंग वाली फीलिंग आती है क्योंकि ये जो संजौली मार्केट है शिमला के मॉल रोड से बिल्कुल कम नहीं है यहाँ भी ढेर सारे ब्रांडेड शोरूम हैं बहुत सारे मॉल्स हैं और भी जितनी चीज़ें हमें चाहिए होती है लाइफस्टाइल की सारी चीज़ें होती है स्ट्रीट मार्केट से लेकर स्ट्रीट फूड से लेकर आप यहाँ पर फूड जॉइंट्स भी देख सकेंगे शिमला संजौली के और बहुत ही अच्छा लगता है बच्चे भी होते हैं बेफिक्र होकर घूमते हुए साइकिलिंग करते हुए यहाँ पे बुजुर्ग भी हमें सब्जी खरीदते हुए मिल जाते हैं बहुत सेफ़ होता है इस टाइम घूमना और शॉपिंग करना तो वही मैं दिखाना चाहती थी और ये है मेघा स्वीट्स संजौली का जाना माना शॉप जहाँ पे स्वीट्स वगैरह मिलती है और यहाँ पे हमें तंदूर भी मिल जाएगा तो फिर कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है साथ में बहुत सारे हमें यहाँ पे जो स्ट्रीट फूड होते हैं शिमला के वो भी मिल जाते हैं हम अपने दोस्तों के साथ फैमिली और बच्चों के साथ यहाँ पर चिल करते हुए शिमला के क्लाइमेट को एंजॉय कर सकते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट पे ही हमें बहुत प्यारा व्यू मिल जाता है देखने के लिए रोड के दूसरे साइड में यहाँ पर हम देख सकते हैं शिमला का अमेजिंग व्यू रियली ये हेवन से कम नहीं है और इसी साइड में कहीं हमारा एक घर भी है अभी हम आगे भी चलते हैं संजौली मार्केट में स्टेशनरी और फूड आइटम्स जितने भी ग्रॉसरी हैं और भी जितने भी हमारे लाइफस्टाइल की चीज़ें हैं सभी मिल जाती हैं संजौली मार्केट में घूमना इतना सेफ है कि आप देख सकते हैं एक आंटी भी इतनी बुजुर्ग आंटी भी निकली हुई है थोड़ा सा खुद को रिफ्रेश करने के लिए ताजी ताजी सब्जियां भी हमें यहां पर मिल रही हैं गोभी कैसे है गोभी कैसे है गोभी 40 और टमाटर 40 मटर 40
ये जो हम बिल्डिंग देख रहे हैं इसमें कई सारे कंपनीज के कमर्शियल ऑफिसेज भी हैं, जाने माने लाल पैच से लेकर कई सारे पब्लिक एंड प्राइवेट बैंक भी है। संजौली की एक खासियत यह भी है कि एवरी डे ये और भी डेवलप होते जा रहा है, रोज़ ही नई नई ब्रांडेड शॉप की ओपनिंग होती रहती है। साथ साथ शिमला तो शिमला है, यहाँ भी हर कॉर्नर से हेवनली व्यू देखने को मिल जाता है। संजौली जो है शिमला के एकदम सेंटर में है, जहाँ से मैक्सिमम टूरिस्ट प्लेसेस नज़दीक है, लाइक मॉल रोड। यहाँ से ऑन द वे 2 किलोमीटर का वॉक है जिसमें हाफ एन आवर लग जाते हैं। मोरोवर कुफरी, नालधेरा, तप्ता पानी, इन सारे जगहों पर भी यहाँ से ईजली जा सकते हैं। इसके अलावे यहाँ पे पार्किंग भी बहुत ही अच्छी है, जिस वजह से होटल्स एंड यहाँ पे आपको गेस्ट हाउस भी मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए यहाँ भी स्टे कर सकते हैं संजौली में। फूड जॉइंट की अगर हम बात करें तो pizza.com से लेकर आसियाना, तृप्ति और डायमंड, इसके अलावे हमें यहाँ पे तंदूर आइटम भी मिल जाते हैं। यहाँ पर है आसियाना, जहाँ पे बेकरी आइटम और स्वीट्स मिल जाएंगे। शिमला के संजौली में ही कई सारे एक्सपेंसिव शोरूम हैं, जिसमें सॉपर्स और मोंटी कार्लो, इसके अलावे और भी ब्रांडेड शोरूम मिल जाएंगे। स्वीट्स, बेकरी आइटम और स्ट्रीट फूड की भी संजौली में भरमार होती है। अगर आप निकलते हैं शाम को इवनिंग वॉक में तो आप स्ट्रीट फूड भी एंजॉय कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मोमोज और गोलगप्पे, बहुत सारे फूड आइटम्स हमें देखने को मिल जाते हैं। और संजौली में ही आगे बढ़ते बढ़ते ये रास्ता जाता है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर की तरफ, जहाँ पे अमर टेक्स मॉल भी है उसी रास्ते में। अभी हम सीधे आगे निकलते हैं जहाँ पे हमें विशाल मेगा मार्ट भी देखने को मिलेगा, और यहाँ भी बहुत ही प्यारा व्यू देखने को मिलता है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। अभी हम विशाल मेगा मार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, बट यहाँ पर हम रुककर थोड़ी देर के लिए यहाँ का बहुत ही प्यारा व्यू एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे सेल्फी भी ले सकते हैं, संजौली का ये सेल्फी पॉइंट भी है। और यहाँ से जो हम व्यू देख रहे हैं इसमें ये संजौली का पूरा एरिया है, देख सकते हैं कितना डेंस है संजौली। और सामने जो जंगल घना दिख रहा है ये नौबहार का जंगल है। और यहाँ व्यू देखने के बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाई देता है श्री ढिंगू माता मंदिर का मेन गेट, जहाँ से हमें ऑन द वे जाना पड़ता है। और ढिंगू माता मंदिर जो है संजौली का बहुत ही जाना माना पॉपुलर और फेमस मंदिर है, जहाँ पे टूरिस्ट भी जाते हैं और वहाँ पे जो देवी देवता है वो काफ़ी मान्यता प्राप्त हैं, तो वहाँ भी काफ़ी रश होती है। तो अगर आप शिमला आते हैं और संजौली आने का मौका मिलता है तो आप यहाँ ढिंगू माता मंदिर भी जा सकते हैं। ये बहुत ही ऊंचाई पर है, काफ़ी ऊंची पहाड़ी पर है शिमला के। और अभी हम वापस रिटर्न होते हैं, मंदिर का रास्ता देखने के बाद हम वापस चलते हैं अपने घर की तरफ। और काफ़ी अब शाम हो गई है, थोड़ा सा आप चेंज देख सकते हैं लाइटिंग में, तो एम्बुलेंस भी आ रहा है तो रास्ते क्लियर होते हैं एम्बुलेंस के लिए। सो गाइज, ओवरऑल संजौली मार्केट मिनी मॉल रोड है और यहाँ पे आप शाम को अपने बच्चों और फैमिली के साथ निकल सकते हैं, चिल कर सकते हैं, स्ट्रीट फूड एंजॉय कर सकते हैं, शॉपिंग के मज़े ले सकते हैं और थोड़ा सा आप अपने लिए टाइम निकाल कर सुकून के पल भी बिता सकते हैं। एंड काफ़ी रश होती है दिन में, अगर आप नो एंट्री ख़त्म हो जाए उसके बाद अगर आप संजौली मार्केट को देखेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे कि यही वो संजौली मार्केट है जहाँ दिन में यही संजौली है, जहाँ पर नो एंट्री के पहले बहुत ही रश होती है, गाड़ियों की भीड़ लगी होती है, बसेस वगैरह भी चलती हैं। तो अभी अगर आपको निकलना है तो शाम को निकलिए, मस्ती कीजिए और घूमिए फिरिए। तो ये है हमारा संजौली का मार्केट, लोकल मार्केट है ये शिमला का। संजौली शिमला का लोकल मार्केट है और रेसिडेंशियल एरिया भी है।
शिमला में ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है, माइनस टेम्परेचर हो जाता है यहाँ पर, तो देख ही सकते हैं जगह जगह पे शॉपकीपर आग जलाकर बैठे हुए हैं, जो काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ का माहौल भी काफ़ी खुशनुमा होता है, ठंड में भी काफ़ी मेहनत करते हैं शॉपकीपर्स और यहाँ के लोग। आई होप कि आपको यहाँ का संजौली मार्केट काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपने भी मेरे साथ एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं इसी तरह की और भी वीडियोस के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।